आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए प्रश्नों को देखने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन, संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके और डिटेल्स भी जान सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, नोखिलेम वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश। आपको बता दें नोखिलेम जो वन्य अभ्यारण्य है यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय में स्थित है। आइए देखते हैं, नोखिलेम वन्य जीव अभ्यारण्य ये रिभोई जिले के लोलाड़ गांव के पास स्थित है। कौन जिले का नाम है? रिभोई जिला। उसमें लोलाड़ एक गांव है जहां पर स्थित है और मेघालय के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? मेघालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छाया उद्यमियों के संबंध में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास छाया उद्यमी वे है जो अपने व्यवसायों को पंजीकृत नहीं करते हैं लेकिन वैध वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का जो प्रबंधन है वह करते हैं। ऑप्शन है आपके पास दूसरा, यह उद्यमी करो यानी कि टैक्सेस से बेचते हैं और सरकारी अधिकारियों को पहुंच से बाहर काम करते हैं। आपको बता दें छाया उद्यमियों के बारे में यह दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। आइए देखते हैं, जैसा कि आपने प्रश्न में देखा छाया उद्यमी वे हैं जो अपने व्यवसायों को पंजीकृत नहीं करते लेकिन वैध वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का प्रबंधन करते हैं। ये उद्यमी करों से बेचते हैं और सरकारी जो अधिकारी होते हैं इनकी क्या पहुंच से बाहर काम करते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छाया व्यवसाय गरीबों को कम करने में मदद करते हैं करता है और कृषि पर भी बोझ कम करता है। इस कथन से संबंध में एक विकल्प है वह चुनना है। ऑप्शन है आपके पास यह कथन सही है, यह कथन गलत है, कथन के बारे में कहा नहीं जा सकता या फिर आंशिक रूप से सही है। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है यह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह जो कथन है वह सही है। आइए देखते हैं, छाया व्यवसाय गरीबी को कम करने में मदद करते हैं और गैर कृषि रोजगार प्रदान करता है। कौन सा रोजगार प्रदान करता है छाया व्यवसाय? तो यह गैर कृषि रोजगार प्रदान करता है जिससे कृषि पर दबाव कम पड़ता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यानी कि यह कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षित के निर्माण में कौन शामिल है? एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है जिसका नाम है रक्षिता या रक्षित, इसके निर्माण में कौन शामिल है? ऑप्शन है आपके पास ए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बी नाभिकीय औषधि तथा समृद्ध विकास संस्थान या फिर सी भारतीय नौसेना बल। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि नाभिकीय औषधि तथा समृद्ध विज्ञान संस्थान। आइए देखते हैं, नाभिकीय औषधि तथा समृद्ध विज्ञान संस्थान एम्बुलेंस रक्षिता के निर्माण में शामिल रहा है। यह DRDO के अंतर्गत साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड है। किसके अंतर्गत है? DRDO के अंतर्गत क्या है यह? तो एक साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड है। क्या है? एम्बुलेंस रक्षिता, जो कि क्या है इसके निर्माण में शामिल रहा है। कौन? नाभिकीय औषधि तथा समृद्ध विज्ञान संस्थान। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, बोध घाट परियोजना क्या है? ऑप्शन है आपके पास सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना, जल विद्युत संयंत्र परियोजना, कोयला बिजली संयंत्र परियोजना या फिर नहर प्रणाली। आपको बता दें, यह जो बोध घाट परियोजना है यह एक जल विद्युत संयंत्र परियोजना है। आपको याद रखना है कि जो बोध घाट परियोजना यह स्पेशली जल विद्युत संयंत्र परियोजना है। आइए देखते हैं, बोध घाट परियोजना छत्तीसगढ़ में एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या है यह? तो यह एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है जिसे केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है। किसने सहमति दी है? केंद्र के द्वारा क्या इसे सहमति मिल गई है, जो कि एक छत्तीसगढ़ में स्थित है और बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोध घाट परियोजना के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन है आपके पास, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है। आपको पता है सौर ऊर्जा तो है ही नहीं, मतलब कि ये तो गलत हो गया। दूसरा है, प्रोजेक्ट की शुरुआत 1970 में की गई थी। राज्य के अलग होने के बाद यह परियोजना अब मध्य प्रदेश सरकार की है। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो, हमने अभी देखा था कि कहाँ पर है यह, तो ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद सौर ऊर्जा तो है ही नहीं, कौन सी ऊर्जा है यह, जल। आगे कह रहा है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत 1979 में हुई थी, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि बोधघाट परियोजना है किसकी शुरुआत कब की गई थी, 1979 में की गई थी। आइए देखते हैं, अगला है, पिन बिजली उत्पादन के लिए इस परियोजना को 1979 में पर्यावरण की मंजूरी मिली थी। उस समय यह क्षेत्र अविभाजित मध्य प्रदेश में यानी कि MP में अंतर्गत था। आप सभी जानते हैं कि पहले 1979 से पहले अपना जो छत्तीसगढ़ है यह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, परंतु फिर ये विभाजित हो गया। परंतु यह जो परियोजना है यह 1979 के समय क्या था, यह MP के अंतर्गत थी, परंतु उसके बाद कहाँ पर हो गई, यह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। चलिए, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, DSBI सूची में कौन सा बैंक शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक, ICICI बैंक, HSBC बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ICICI जो बैंक है यह DSBI सूची में क्या है, शामिल है। आइए देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ICICI और HDFC दोनों ही घरेलू व्यवस्थित रूप से क्या है, महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में बरकरार है। कौन कौन सा है? ICICI बैंक और इसके साथ साथ HDFC बैंक। इसके द्वारा कहा है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कहा है कि ये दोनों बैंक ही घरेलू व्यवस्थित रूप से क्या है, महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में बरकरार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शाहीन मिसाइल रेंज का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजराइल या फिर ईरान। आपको बता दें कि जो शाहीन मिसाइल है यह पाकिस्तान देश से क्या है, संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि शाहीन मिसाइल क्या है। पाकिस्तान ने शाहीन 3rd मिसाइल का परीक्षण किया। डेरा गाजी खान ने राखी इलाके से इसका परीक्षण किया था। डेरा जो गाजी खान है, इन्होंने राखी इलाके है इसमें क्या किया था, इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान ने यह शाहीन जो 3 मिसाइल यह लॉन्च की है, तो आपका शाहीन जो कि पाकिस्तान, आपका उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुलावेसी गुफा पेंटिंग के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है आपके पास, ऐसा दावा किया जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग है। दूसरा, पेंटिंग में ऐसे मानव तथा जानवरों का चित्रण किया गया है जो सुलावेसी सुअरों और बोने जो गिद्ध होते हैं उनका शिकार करते हैं। क्या पूछा गया है, जो कि सुलावेरी गुफा पेंटिंग। अब देखो, आपका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों ही सही होगा। आइए देखते हैं,
इंडोनेशिया के सुलावेरी के दक्षिण में स्थित लेंज बुलू सिपोंग फोर की दीवार पर यह पाया गया है कि एनिमल पेंटिंग लगभग 44,000 साल पुरानी है और दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी होने का दावा किया जाता है। ठीक है, पेंटिंग में ऐसे मानव तथा जानवरों का चित्रण किया गया है जो सुलावेरी सुअरों और जो बोने गिद्ध होते हैं इनका शिकार करते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दोनों ही सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला लास्ट प्रश्न है कि पराक्रम दिवस को किस राजनीतिक व्यक्तियों की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका यह कि जो पराक्रमी दिवस है इसको किस राजनीतिक व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इंदिरा गांधी। आपको बता दें पराक्रमी जो दिवस है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि राजनीतिक व्यक्ति थे इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, सरकार ने किसके, तो एक याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस रूप में मनाया जाएगा, तो पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को हर साल। ठीक है, आज का हमारा प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और UPSI के सिलेबस से जुड़ी भी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वह हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको जो ये नंबर शो हो रहा है यहाँ पर भी आप कॉल करके और अधिक सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।